अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त वारसी टिका शॉप जो कि पुरानी अनारकली में मौजूद है वहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे साथ उनके ऑनर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। वारसी टिका शॉप, ये नाम आपने क्यों रखा रेस्टोरेंट का, पहले तो ये बताएँ। सर ये वारस टिका शॉप इसलिए रखा कि ये बाबा का एक दोस्त था, उसके नाम पर वारस टिका शॉप। तो बाबा को इतनी मोहब्बत थी कि आपने उनके नाम पर रेस्टोरेंट बना दिया? जी बिल्कुल थी, वो बचपन से उनके दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त थे, इस वजह से उन्होंने उनका नाम पर रख दिया। सर ये रेस्टोरेंट कब से चल रहा है? ये तकरीबन 1960 से है, 1960 से। तो यहाँ पे मौजूद है या कहीं और था पहले? नहीं यहीं पे, स्टार्टिंग से यहीं से स्टार्ट किया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे हैं। तो सर वारिस टिक्का शॉप की खास बात क्या है? सर वारिस टिक्का शॉप की हर चीज़ ही खास है, हर बात ही खास है। कुछ गिनवाएं तो सही हमें। सर हम जो है, अब मैं क्या आपको गिनवाऊँ, कौन कौन सी गिनवाऊँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही। कुछ तो गिनवा देना सर। यहाँ पे जो भी आता है हमारी कोशिश होती है कि वो खुश जाए, खाना खा के जाए, चाहे उसके पास पैसे हों ना हों कोई मसला नहीं, वो खाना खा के जाए, उसको अच्छा टेस्ट मिले और वो दोबारा फिर आए। सर आप जो क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करते? सर क्वालिटी पे और क्वांटिटी दोनों पे हम कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और क्वालिटी की यहाँ तक है कि हम मसाला जात खुद से लेते हैं और वह खुद से पिसवाते हैं। जी सर, हम आपके जो इस टाइम कस्टमर खा रहे हैं उनसे भी पूछते हैं कि कैसा लगा उनको खाना, और जो आपके बना रहे हैं मुलाजमीन खाना बना रहे हैं, मुख्तलिफ डिशेज़ बना रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। तो ये पहले ये बताएं कि कौन कौन सा मेन्यू आपके पास होता है? सर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेन्यू है, बारबेक्यू है, उसके अलावा कढ़ाई है, टिक्के हैं, कबाब हैं, चाइनीज़ है, पाकिस्तानी है, स्पेशल आइटम्स हैं, हर चीज़ यहाँ पर मिलती है। तकरीबन कितनी आइटम्स आपके पास? हमारे पास तकरीबन 400+ है। जी कितनी आइटम सर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने वर्कर काम करते हैं यहाँ पे? तकरीबन मेरे ख्याल में दोनों शिफ्टें मिला के 100 से ऊपर होंगे। जी तो सर 24 घंटे खुला रहता है या क्या टाइम टेबल है यहाँ पे? हमारा सुबह 11 बजे से लेके रात 3:30 बजे तक। ठीक हो गया। तो सर कितने मुलाजमीन बताए आपने? तकरीबन 100+ हैं। सबसे ज़्यादा सैलरी किस मुलाजिम की है और कितनी है? सर ये सॉरी ये मैं नहीं बता सकता। ठीक हो गया सर। ये बताएं कि सेल का क्या हिसाब किताब है, सेल कितनी की हो जाती है, ये बता सकते हैं? सर ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, ये हम लाखों में हो सकती हैं सर, ये सॉरी हम नहीं बता सकते हैं। चलें शुक्रिया सर, मैं आपके डिशेस देखता हूँ, आपके जो कस्टमर, आपके जो मुलाजिम हैं उनसे बातचीत करता हूँ कस्टमर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कब से बना रहे हैं इधर खाना शाना? तकरीबन 25 साल हो गए हैं जी। इधर ही बना रहे हैं? इधर ही बना रहा हूँ। इतनी मोहब्बत, यहाँ ही रहे, कहीं गए ही नहीं? ये अच्छे लोग हैं इसलिए इन्हीं के पास हूँ। इनमें अच्छी चीज़ क्या है, इनकी सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? हमारे पास तमाम ही आइटमें अच्छी हैं, हमारी जो क्वालिटी है ना ये दूसरे होटलों से अलग है। सही हो गया। ठीक है जी 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 बताएं बताएं। तो हमारी जो मलाई बोटी है, फिश वगैरह, ये सारी आइटमें तकरीबन मशहूर हैं। तो इस वक्त आपके पास कौन कौन सी आइटम मौजूद है? मेरे पास दाल चने, दाल माश है, कड़ी पकौड़ा है, आलू गोभी है, कलेजी पोटा है, मुर्ग चने हैं, बिरयानी है, कोरमा है, कलेजी पोटा है। तो थोड़ा थोड़ा रेट भी हमें बताएं, क्या रेट चाह रहा है आपका? दाल सब्जी 120 की है, चिकन 280 रुपये का है, कड़ी पकौड़ा 130 का है, कलेजी पोटा 140 का है। तो वो जो सामने मुझे नज़र आ रहा है वो चरगा पड़ा हुआ, वो कितने का आप देते हैं? ये चरगा नहीं, ये कढ़ाई की मुर्गी है ये। जी जी ठीक हो गया। और मछली एक किलो किस तरह दे रहे हैं आप? 1050 में। 1050 जी। सर कढ़ाई बना रहे हैं फिर? जी सर कढ़ाई बना रहे हैं, चिकन कढ़ाई। तो सर कब से बना रहे हैं चिकन कढ़ाई यहाँ पे? 5 साल हो गए। 5 साल। तो आगे पीछे क्यों नहीं गए, क्या वजह के आप इधर ही रहे? मालिक अच्छा है, काम ठीक है, इधर सैलरी भी ठीक है, इज्जत देते हैं। बिल्कुल जी। तो आपकी चिकन कढ़ाई में क्या स्पेशलिटी है सर, हमें बताए तो सही। चिकन हमारी मक्खन में ये देसी घी में भी होती है सर जी। तो ये आप जो इस वक्त बना रहे हैं कौन सी वाली है? ये घी वाली सादा है की सर। तो इसकी क्या प्राइस है, कितने की है किलो है ये? ये 1250 की किलो है, ये आधा किलो हाफ है। सही हो गया। तो जब आपसे ये कस्टमर खा के जाते हैं तो फिर उंगलियाँ चढ़ते जाते हैं? सही गल है, मज़ा आता है खाने आते हैं सर जी। तो मतलब वो बता रहे थे कि तकरीबन 24 घंटे ये खुला रहता है रेस्टोरेंट, तो मतलब थोड़ा सा ऑफ भी होता है लेकिन ज़्यादातर खुला ही रहता है सारा दिन ये? हाँ सुबह 11 बजे खुलता, रात 2 बजे तक। तो आपका ड्यूटी टाइमिंग कब से कब तक होता है? हमारी 12 घंटे ड्यूटी होती है। 12 घंटे ड्यूटी जी सर। सही हो गया। तो चिकन फिर ये किस तरह आता है, कि अपना कोई इनका वो है फार्म वगैरह या कहीं को कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नेम? सजाद अहमद। सजाद साहब ये बताइएगा कि आप वारिस टिक्का शॉप पे कब से फिर टिक्के बना रहे हैं? हो गए 5-7 साल।
तो सर क्या वजह के कहीं और मूव ही नहीं किए, इधर ही रह गए? जी सर, ये हमारे मालक बहुत अच्छे हैं, इसकी वजह से हम इधर काम कर रहे हैं। वैसे काम हम 13-14 साल से इधर काम कर रहा हूँ, तो बारबेक्यू का काम सीखा भी इधर ही आया, कारीगर ही रहे हैं। सर मैंने जिससे भी पूछा बड़ी तारीफे कर रहे हैं मालिक की, ये कैमरे की वजह से कर रहे हैं या वाकई अच्छे मालिक हैं वो? अच्छे मालिक हमारे जी। ठीक हो गया। तो सर आपके ये जो बारबेक्यू है इसमें कौन कौन सी आइटम्स होती हैं? हमारे पास चिकन टिक्का बोटी होती है, चिकन पीस होता है, मलाई पीस होता है, मलाई बोटी होती है, चिकन कबाब है, रेशमी कबाब है, बीफ कबाब है। तो सबसे ज़्यादा आइटम कौन सा बिकता है? ये हमारा सारे यही बराबर ही चलते हैं। बराबर ही चलते जी जी। कबाब ज़्यादा नहीं बिकता? कबाब भी ज़्यादा चलता है, टिक्का बोटी ज़्यादा चलती है, पीस ज़्यादा चलते हैं। तो सर क्या प्राइसेस लगाई हैं कबाब की, क्या है टिक्का बोटी की, क्या प्राइस है? टिक्का बोटी 170 की है और कबाब 100 का है। तो कितने बजे टिक्का बोटी का काम शुरू हो जाता है और कितने बजे तक चलता है? ये दिन 11 बजे से लेके सुबह 3:30 बजे तक चलता है। तो सर ये बताएं कि जो आप हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे कि आपकी शॉप पे आएं या ना आएं? जी क्यों नहीं आएं, आएं बार बार आएं, टेस्ट करें, खाएं और लोगों को भी बताएं कि टेस्ट कैसा है, आप ही खाओ, सबको बताओ। जो बारबेक्यू के शौकीन हैं तो आपके बारबेक्यू में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि हमारे नाज़रीन जो हैं वो देख के और खाने के लिए आपके पास आएँ? ये एक तो हमारा जो मिर्च मसाला है वो हमारे खुद बनाते हैं, मसाला खुद तैयार करते हैं, उसके अलावा बाहर से मिर्च मसाले नहीं ले आते, हम खुद अपने सामने बनाते हैं। जी तो ये थी आज की वारिस टिक्का शॉप जो कि पुरानी अनारकली में मौजूद है, वहाँ से आपको ये वीडियो बनाकर दिखाई और आप इस रेस्टोरेंट में आए, खाना खाएं और ये काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं और इनके पास एक माहिर किस्म के कुक्स हैं। तो आज की अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, हमारे DS डिजिटल TV को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज की वीडियो से तलहा सुलहरी को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।